हमारे चेयरमैन जी किसी भी पार्षद को साथ लेकर नहीं चलते, चाहे वो कांग्रेस के हो चाहे बीजेपी हो। यहाँ पे अब कोई भी पार्टी की बात नहीं है, हम अपने शहर का विकास चाहते हैं, इसीलिए हम चाहते हैं कि ऐसे भ्रष्ट नेता को, ऐसे भ्रष्ट चेयरमैन को निकाला जाए। उन्होंने हमारी कोई भी समस्या का हल नहीं किया। जो चेयरमैन है जो सुखचैन सिंह रमाणा बांगो पर है, जो दुर्व्यवहार को भी आरोप लगाए गए और शिकायत लगाए, विवाद के अंदर कार्रवाई की मांग है वह भी करी गई है। पीलीभंगा में कांग्रेसी चेयरमैन सुखचैन सिंह रमाणा के खिलाफ बांगी पार्टी का और विपक्षी पार्टी का लगभग 30 पार्षद अविश्वास प्रस्ताव लेके जक्शन जिला कलेक्टर कानाराम कनपुंचे, और कानाराम ने अविश्वास प्रस्ताव है वो सौंपे। और जो चेयरमैन है जो सुखचैन सिंह रमाणा बांगो पर है, जो दुर्व्यवहार को भी आरोप लगाए गए और शिकायत लगाए, विवाद के अंदर कार्रवाई की मांग है वह भी करी गई है। राम राम जी। पूरा प्रकरण थाना बताना चाहूंगा। हनुमानगढ़ जिला के पीलीभंगा तहसील के अंदर नगर पालिका का वर्तमान का कांग्रेस को बोर्ड है वर्तमान में पीलीभंगा नगर पालिका के अंदर, और चेयरमैन है सुखचैन सिंह रमाणा। सुखचैन सिंह रमाणा चेयरमैन के ऊपर बांगी ही पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का और भाजपा पार्टी का लगभग 30 वार्ड पार्षद नाराज चाला लाग रहे हैं। नाराज क्यों चला बता दूं थाने मैं। 30 वार्ड पार्षद पूर्व विधायक धर्मेंद्र मोची के नेतृत्व के अंदर जक्शन जिला कलेक्टर काना रामकन ऑफिस के अंदर पहुंचे, और ऑफिस में पहुंचे बाद के अंदर बने जो अविश्वास प्रस्ताव है साइन वगैरह करेड़ा वो सौंपियो है, और अविश्वास प्रस्ताव सौंप गए है भी के अंदर। अभी चीज बताई गई है कि जब सुखचैन सिंह रमाणा पीलीभंगा नगर परिषद नगर पालिका का चेयरमैन बनाया गया तब लेके अब तक पीलीभंगा के अंदर विकास कार्य ठप पड़ा है, विकास कार्य नया कोई कार्य को नहीं होया, और गंदगी वगैरह साफ सफाई वगैरह ये चीज़ें हुआ को नहीं लग रही। इस तरीके की बात है भी के अंदर जो आप केस का जो कलेक्टर को मिले तमाम पार्षद इस तरीके की बात है वह बोली गई। और एक अंदर एक तरीके को बता सकता तो किंग मेकर की जो भूमिका है वे पूर्व विधायक भाजपा का धर्मेंद्र मोची बे निभावला रहे, क्योंकि धर्मेंद्र मोची के नेतृत्व के अंदर पहुंचे हैं। तो जैसी बात है आप केस कहाँ को पूरा को पूरा मामलो है जो एक तरीके को राजनीति अखाड़ो बन चुके हैं, और राजनीति के तहत ही है और कांग्रेसी पार्षद और भाजपा पार्षद, क्योंकि आज पहला कदे हो नहीं कि कांग्रेसी पार्षद और भाजपा पार्षद एक साथ के अंदर आगे और एक साथ में आगे और अविश्वास प्रस्ताव दे। लाल दिना हनुमानगढ़ नगर परिषद के अंदर जरूर हो, जब पूर्व उप सभापति अनिल खिचड़ ने सीट पर हटाए गए तो भी दौरान कांग्रेसी पार्षद और भाजपा पार्षद तमाम एक मंच पर आया और पूर्व उप सभापति अनिल खिचड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लिया गया और अनिल खिचड़ ने सीट पर हटाए गए भी दौरान इसी परिस्थिति हुई। लेकिन एक बार फिर भी इसी परिस्थिति पीलीभंगा के अंदर बन चुकी है, और पीलीभंगा के अंदर मौके के अंदर कांग्रेस को बोर्ड है नगर परिषद के अंदर भी सागे सागे पीलीभंगा के अंदर विधायक है वे भी कांग्रेस का है विनोद गोठवाल। अब देखना बात आओगी कि पीलीभंगा चेयरमैन है सुखचैन सिंह रमाणा आपकी सीट क्या बचा पाओ, और कांग्रेस विधायक है विनोद गोठवाल बंग पूरा प्रकरण के प्रति के रुख रहोगे। और सारू बड़ी बात में थाने एक अंदर एक चीज है जो अभी बताना चाहूंगा, तमाम जो पार्षद है वे आरोप भी लगाए हुए कि बांगी अनदेखी होवला रही है, कि बांगी मांग कौन सुनी जावला रही, बांगा वार्ड के अंदर काम को नहीं होवला रही, यानी कि 30 वार्ड का पार्षद है कलेक्टर कानाराम कनपुंचे और 30 पार्षद है अलग अलग आरोप लगा हुआ। नगर पालिका पीढ़ी में सभी पार्षद रुष्ट होकर और मंडी पीढ़ी में विकास कार्य जो रुके हुए थे, और चेयरमैन ने आज तक एक बार भी मीटिंग नहीं बुलाई है पार्षदों की, ना कभी कोई किसी का काम किया है, पार्टीवादी सिस्टम में फंसे हुए थे। और उन सबको पार्षदों ने इकट्ठा होकर जो आज कार्य किया है ये बड़ा अच्छा कार्य है, और इसमें ये सफल होंगे इनमें मेरी इनकी शुभकामनाएं हैं। और साथ जो मंडी में मंडी के हित के लिए जो इन्होंने काम किया है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हूं, और इसमें ये सफल होंगे। आज नगर पालिका पीलीभंगा के पार्षदगण जो कुल संख्या 35 है उनमें से 29 पार्षदों ने इकट्ठा होकर के वर्तमान चेयरमैन जो नगर पालिका हित में काम न करने के कारण, जन इतने लोगों की तरफ न सोचने के कारण, और जिस प्रकार से नगर पालिका के अंदर एबियस रही है उसको खत्म करने के लिए आज सभी पार्षदगणों ने माननीय कलेक्टर मोदी कानाराम जी के यहाँ अविश्वास प्रस्ताव रखा है, जिसमें हम सब तमाम लोग साथी पार्टी वाइज से ऊपर उठ करके ये नेक काम पुनित कार्य किए, मतलब शेर की भावना है, भावना के अनुरूप इस सभी पार्षद ने काम किया, और जो आप मेरे साथ खड़े हैं लगभग 29 पार्षद है उसमें से 2-3 और भी आएंगे, और लोग भी हैं, बाकी और के पार्षद भी तैयार हैं, और भी आएंगे संपर्क में हमारे। इसलिए मैं इतना ही कहूंगा कि जो इन्होंने सोच की है, जो जिस विश्वास से आता है, भगवान इनकी मदद करे, और निश्चित जो पीलीभंगा मंडी पर चेयरमैन नाम का जो शब्द कलंक के रूप में लगा हुआ है उसको निश्चित इन सारे लोगों से मिलकर के, ये सब लोग मिलकर के उसको उखाड़ फेंकेंगे। मैं इनको अग्रिम शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। एक बार पुनः आप जो अच्छा काम किया और जनहित के अंदर काम किया, शहरहित के अंदर काम किया, आप सब लोगों को मैं बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ। जैसा कि विधायक जी ने बताया अभी कि हम अविश्वास प्रस्ताव के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं,
हमारे चेयरमैन जी किसी भी पार्षद को साथ लेकर नहीं चलते, चाहे वो कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी हो। यहाँ पे अब कोई भी पार्टी की बात नहीं है, हम अपने शहर का विकास चाहते हैं, इसीलिए हम चाहते हैं कि ऐसे दस नेता को, ऐसे दस चेयरमैन को निकाला जाए। उन्होंने हमारी कोई भी समस्या का हल नहीं किया, एक बोर्ड मीटिंग तक नहीं रखी जाती, बजट की मीटिंग तक नहीं रखी जाती, तो हम अपने विकास के लिए हम बात कहाँ करें, हम अपनी समस्याएं किसके आगे जाके सुनाएं। तो हमारा कलेक्टर जी से यही निवेदन है कि वो हमारी समस्या का जल्दी से जल्दी हल करें ताकि हमारे शहर का विकास हो सके। लाडला जी, मैं बता दूं पीली बंगा के अंदर वार्ड पार्षद है सुखचैन सिंह रमाणा, चेयरमैन के खिलाफ पानी की टंकी के ऊपर चढ़ गया कई पार्षद, और पीली बंगा नगर पालिका के बारे धरनों भी लगाए गए हो, और वो मामलों जी ठंडे हुए बाद के अंदर चुनाव आ गया, और चुनाव आया बाद के अंदर अब वापिस एक तरीका जो केस जो सीएससी एक बार फिर चर्चा के अंदर आ चुकी है, और पीली बंगा के अंदर तमाम लोगों की जवानों पर आई चर्चा है कि सुखचैन सिंह रमाणा सीट पर बने रहोगा या कोनी बने रहोगा, और एक अंदर किंग मेकर की भूमिका है जो पूर्व विधायक भाजपा का धर्मेंद्र मोची है जो बेनिभाव लाग रहे हैं। तो पूरा प्रकरण लेके जो पीली बंगा का जो कांग्रेस का जो मोका का विधायक है विनोद गोठवाल, बंगा साहब का चर्चा कराना, फोन लाइन पर बंगा साहब बात कराना आप, और मैं नंबर लगा ला रही हूँ विधायक जी ने, विनोद गोठवाल पीली बंगा, घंटी है जो जवा लाग रही है। तो विनोद जी फोन उठाया कौन, और अपा जो धर्मेंद्र जो मोची है पीली बंगा का जो पूर्व विधायक, बंग साहब एक बार बाने भी फोन लगा लिया और बंग साहब बेहतर तरीके हुए जान पाऊंगा। पीली बंगा विधायक है विनोद गोठवाल जी को फोन आ चुकी है अपना कन वापिस। विनोद जी नमस्कार। नमस्कार जी। विनोद जी जलको हनुमानगढ़ चैनल को बात कर ला रही हूँ आशु। विनोद जी एक छोटी सी जानकारी लेनी ही थारू, आज थारा पीली बंगा का जी थे विधायक और पीली बंगा नगर पालिका में कांग्रेस को बोर्ड है सुखचैन सिंह रमाणा और जो चेयरमैन है, तो बंग के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेके आया गया है पूर्व विधायक भाजपा का धर्मेंद्र मोची के नेतृत्व में, लगभग 30 विधायक भी में कांग्रेस का और भाजपा का ज्यादा विधायक सब का सब एक जाजम पर आके और अविश्वास प्रस्ताव पेश करियो, के है मामलो विनोद जी पूरो। देखो वो संपर्क कर रहे हैं कांग्रेस का पार्षद है जिसका रुष्टा रण को प्रयास जारी है कि कांडे वो बैठ के बात करा। नहीं तो विनोद जी एक अंदर मतलब लोग दबी जबान से आप ही चीज कर ला रही है, मतलब चर्चा आप ही हो रही है कहीं के अंदर राजनीति खड़े न खड़े दिखला रही, क्योंकि जो जो आप बात करा दो पीली बंगा में थारा चीर प्रतिद्वंदी है जो धर्मेंद्र जी मोची जो पूर्व विधायक बंग नेतृत्व के अंदर सब आया है, तो खड़े में राजनीति तो कोनी गई में कुछ क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी रहा, फिर पंजाब दिल्ली जनता रहा, तो थोड़ी बात पार्षदों भी कौन हो पाई, टच में भी कौन रह पाया, अब कोई संपर्क साध रहे हैं भी के कारण के निवन दूर करके प्रयास करा भी कांग्रेस पार्टी को बोर्ड बचे। विनोद जी एक चीज और पूछना चाहूंगा मैं, चीज सेम हनुमानगढ़ के अंदर भी हुई लाड़ले दिना कहाधारी कांग्रेस पार्टी का जो उपसभापति अनिल जी खिचड़ बांगे खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव लेके आए गए, क्योंकि अब स्टेट के अंदर भाजपा की सरकार है तो हनुमानगढ़ के अंदर भी एक तरीके में पाया कि इसका कांग्रेस को जो बोर्ड हो वो भाजपा को हो गयो, तो खटे पीली बंगा के अंदर भी आ चीज को नहीं दोहराई जाएगी के विधायक जी। एक चीज और जो पार्षद है वे कलेक्टर साहब मिलिया वे पार्षद आरोप लगाए और आरोप लगाए जब अविश्वास प्रस्ताव खत्म मतलब साइन भी हाल लगभग 30 एक पार्षद है वो महिला भी है लेडीज भी है, तो भी आरोप लगाओ कि जदू सुखचैन सिंह रमाणा जदू चेयरमैन बनया है पीली बंगा का, जदू पीली बंगा के अंदर विकास कार्य ठप पड़िया है, और आ बात खुद धर्मेंद्र जी मोची है पूर्व विधायक भाजपा का, वे खुद बोले कि पीली बंगा में विकास कार्य ठप पड़िया है, कोई नई योजना को नहीं आवा लाग रही, और क्योंकि थे मौका का विधायक भी हो और बोर्ड है जो कांग्रेस को है, तो यानी कि एक तरीके को यह समझा मतलब एक अंदर जिम्मेदारी थारी भी बना पूरी, तो कि वाकई में विकास कार्य को नहीं हो रहा है या मतलब ये चीजें क्या बोली गई सरकार की तरफ विकास कार्य की कोई कमी को नहीं है, कॉलेज बनाने की बात आओ लड़कियों को कॉलेज भी पढ़ने तैयार हो गए हो, एक कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय भी बच्चों को बने हैं वो भी तैयार हो गए हो, और अन्य भी कोई सड़कों की बात आई तो मुख्यमंत्री जी सड़कों की काफी दी तो विनोद जी मतलब बचा पाओगा कि कांग्रेस को बोर्ड रह जाओगे या भाजपा को बनागो थन के मतलब क्या करेगा थे और जो नाराज जो पार्षद है साथी था कांग्रेस पार्टी का जी जी पर बिठा के बात करांगा तो मन को नाराजगी दूर करने का प्रयास रहे।
चलो बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी, थे मारे खातर समय निकालियो, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिया कि थे देख पावला रहे हो पीली बंगा विधायक विनोद गोठवाल के साथ आप फोन लाइन के ऊपर बंग साग है जो फोनो इंटरव्यू है वो करियो, विनोद गोठवाल के साथ आप चर्चा करियो जो पीली बंगा के अंदर जो वो अचानक हूँ जो इस तरीके हूँ और जो सारो को सारो जो प्रकरण हो है बी के प्रति विनोद गोठवाल जी को यही कहना है कि सब ने जो नाराज जो पार्षद है सब ने एक जाजम पर बिठाए जाओगे और एक जाजम पर बिठा के किया ने किया जो कांग्रेस को जो बनेडो बोर्ड है जो चुनेडो बोर्ड भी बोर्ड ने बचाने को काम है वो करियो जाओगे। बता दूं जब जिला कलेक्टर कानाराम ने जब अविश्वास प्रस्ताव सौंपे गए भी अविश्वास प्रस्ताव के अंदर एक और भी आरोप लगाया गया है कि पीली बंगा चेयरमैन सुखचैन सिंह रमाणा के ऊपर भ्रष्टाचार जैसा संगीन आरोप है, भ्रष्टाचार जैसा संगीन आरोप भी लगे और भी सागे सागे पार्षद के सागे दुर्व्यवहार का आरोप है वे भी तमाम पार्षद और पूर्व विधायक धर्मेंद्र मोची है वे लगाए। लेकिन अब सब बड़ी बात ही के अंदर आ है अगर अविश्वास प्रस्ताव लेके आना तो विधानसभा चुनाव के बाद में ले आता धर्मेंद्र मोची जो विधायक है पूर्व विधायक अब साथ के अंदर लेके तमाम पार्षद ने साथ लेके अविश्वास प्रस्ताव सौंपने जावा लग रहा है तो खड़े खड़े ही पूरे प्रकरण के अंदर राजनीति की जो गंदी बदबू है वह एक अंदर आवा लाग रही है और एक अंदर सारू बड़ी बात है कुछ पार्षद लारले दिना जद आज से लगभग काफी दिन की बात होगी और मेरी वोटिंग करने भी घटक भी दौरान बहुत सा पार्षद है टंकी के ऊपर चढ़ रहा चैन सिंह रमाणा के खिलाफ भी दौरान पार्षद आरोप लगाए हो पीलीबंगा का पार्षद नगर परिषद कार्यपालिका के अंदर काम को नहीं होला रहा बंगा वार्ड के अंदर काम को नहीं होगा लग रहा तो भी दौरान जो आरोप लगे बी के बाद के अंदर अब कांग्रेस का और भाजपा का पार्षद यानी कि एक तरीके को कांग्रेस को बोर्ड और कांग्रेस का ही पार्षद आपके ही चेयरमैन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेके है कलेक्टर के चल गया और भाजपा का तो जबकि विपक्षी पार्टी है तो भाजपा को जानो तो स्वाभाविक है तो लगभग यहाँ मिला के कुल 30 पार्षद है पहुंचे है जी के अंदर ज्यादा कांग्रेसी है और भाजपा का भी है और कांग्रेस का भी है और अभी के अंदर देखना बात होगी कि के अंदर पूरा प्रकरण के अंदर जिला कलेक्टर एक कमेटी है जल्द जल्द एक कमेटी बनाई जाएगी और कमेटी बनाने के बाद के अंदर वापिस से है एक बार फिर है जो बहुमत है जो साबित करना होगा चैन सिंह रमाणा ने और जो नया जो पद का जो दावेदार बनाया जाएगा बंग पक्ष में कितनी वोटिंग होगी तो ये चीजें अभी फिलहाल सारी की सारी चीजें बाद की बात है लेकिन सुखचैन सिंह रमाणा है और जो पीलीबंगा का जो विधायक है विनोद गोठवाल वे आपको बोर्ड बचाने बहुत सारा प्रयास है वे करेगा लेकिन अभी तक एक तरीके में आप कह सकते हैं पूरे पीलीबंगा के अंदर पूरे हनुमानगढ़ के अंदर चर्चा आ ही आम हो रही है कि अचानक 30 पार्षद एक साथ क्या पहुंचा कि क्या इतनी राजनीति पीलीबंगा की ब्लॉक की है जो राजनीति अचानक इतनी ज्यादा क्या गर्मा गई। अभी पूरा प्रकरण के अंदर कमेटी जल्द जल्द बनाई जाओगी और कमेटी को के निर्णय हुआ कमेटी वापस चुनाव करावे या के करावे वे सब की सब है जो बाद की बातें हैं। तो वीडियो थाने किसी लगी वीडियो के प्रति थाने के राय है कि सुझाव है वो कमेंट बॉक्स के माध्यम कमेंट करके मान जरूर बताओ झलको हनुमानगढ़ चैनल पर अगर थे नया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दो पास में बेल आइकन का बटन दबा दे वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो हर गांव में या आसपास में किसी तरीके की कोई भी समस्या है तो नीचे डिस्प्ले हमारा झलको हनुमानगढ़ चैनल का मोबाइल नंबर चल रहा है इस नंबर पर थे माने फोन करो मैसेज करो मैं थारा गांव में पहुंचाऊंगा थारी समस्या उठाऊंगा थारी आवाज उठाऊंगा और पूरे प्रकरण के प्रति थारी के प्रतिक्रिया विचार थारा कमेंट में जरूर मेंशन करेगा आखिर एक साथ इतना पार्षद कांग्रेस का ज्यादा भाजपा का कम और आपके चेयरमैन ने हटवाने अविश्वास प्रस्ताव लेके चले गया तो इसके पीछे के लॉजिक उसके के कारण उसके तमाम विचार थारा कमेंट में जरूर मेंशन करेगा। अंत मैंने दे इजाजत जय हिंद जय राजस्थान जय हनुमानगढ़।